बच्चों, मैं अशोक कुमार, क्लास 7, सब्जेक्ट साइंस, लेसन 3 को वीडियो पार्ट 6 के माध्यम से मलबेरी सिल्क और कल्पिनेटेड सिल्क को पढ़ाने जा रहा हूँ। मलबेरी सिल्क, शहतूत रेशम या रेशम खेती। दी टाइप ऑफ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाई सिल्क वर्म विच लिव ऑन मलबेरी ट्रीज। दी सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ द मलबेरी सिल्क मोथ इज सॉफ्ट, लस्टर्स एंड इलास्टिक। इट कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। अर्थात शहतूत रेशम या रेशम खेती, इस प्रकार के रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़ों द्वारा किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर रहते हैं। शहतूत रेशम कीट के कोकून से रेशम फाइबर नरम, चमकदार और लोचदार होते हैं। इसे खूबसूरत रंगों में रंगा जा सकता है। तसर सिल्क वर्म्स मेनली फीड ऑन अर्जुन लीव्स टू प्रोड्यूस ए तसर सिल्क। तसर सिल्क इज मेनली यूज इन मेकिंग मेन्स सूट एंड यूज फॉर अदर ड्रेस मटेरियल्स। अर्थात तसर सिल्क वर्म मुख्य रूप से अर्जुन की पत्तियों पर तसर सिल्क का उत्पादन करते हैं। तसर रेशम का उपयोग मुख्य रूप से पुरुषों के सूट बनाने और अन्य ड्रेस सामग्री के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, मुगा सिल्क। दी मुगा मोथ इज नेटिव ऑफ आसाम। मुगा सिल्क वर्म्स फीड ऑन सम लीव्स टू प्रोड्यूस ए लस्टर गोल्डन येलो मुगा सिल्क। मुगा सिल्क इज सुपीरियर टू टसर सिल्क इन ग्लोस एंड अदर क्वालिटीज। मुगा सिल्क वर्म्स आर फाउंड ओनली इन आसाम एंड नाउ हियर एल्स इन द वर्ल्ड। अर्थात मुगा पतंग असम का मूल निवासी है। मुगा रेशम के कीड़े एक चमकदार सुनहरे पीले मुगा रेशम का उत्पादन करने के लिए कुछ पत्तियों पर भोजन करते हैं। मुगा रेशम चमक और अन्य गुणों में तसर रेशम से बेहतर है। मुगा रेशम के कीड़े केवल असम में पाए जाते हैं और दुनिया में कहीं नहीं होते हैं। सिल्क, दी एरी मोथ ऑफ बंगाल एंड असम इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईस्टर्न इंडिया। दी एरी वर्म फीड्स ऑन कॉस्टर ऑयल प्लांट्स लीव्स टू प्रोड्यूस ए ब्रिक रेड सिल्क कॉल्ड एरी सिल्क। इट इज स्पन एंड। अर्थात एरी सिल्क बंगाल और असम का एरी पतंग पूर्वी भारत में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। एरी क्रीमी अरंडी के तेल संयंत्र के पत्तों पर भोजन करता है। एरी रेशम नामक एक लाल ईंट रेशम का उत्पादन करने के लिए है, ईंट के समान करने के लिए या कपास की तरह काटा जाता है। नेक्स्ट, रास सिल्क एंड स्पन सिल्क। कच्चा रेशम और क्षतिग्रस्त या बेकार के रेशम। दी फाइबर ऑफ कोकून इज टू फाइन एंड डेलिकेट टू हैंडल सो मैनी ऑफ देम 3 to 10 फाइन फिलामेंट्स आर रियर्ड टुगेदर टू यील्ड ए स्ट्रॉन्गर थ्रेड कॉल्ड रास सिल्क। दी डैमेज और वेस्ट कोकून्स आर यूज टू प्रोड्यूस एन इन्फेरियर क्वालिटी सिल्क कॉल्ड स्पन सिल्क। दी रास सिल्क प्रिपेयर्ड इज ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस थ्रोन सिल्क। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोइंग। दिस प्रिवेंट्स द सिल्क फ्रॉम स्प्लिटिंग इंटू इंडिविजुअल फाइबर्स। कच्चा सिल्क और क्षतिग्रस्त या बेकार सिल्क। कोकून का फाइबर बहुत ही महीन और नाजुक होता है। उनमें से कई 3 से 10 ठीक तंतु एक मजबूत धागे की उपज के लिए एक साथ पाले जाते हैं। कच्चे रेशम, उसे कच्चे रेशम कहा जाता है। क्षतिग्रस्त या बेकार, कोकून का उपयोग एक क्षतिग्रस्त गुणवत्ता वाले रेशम का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिसे स्पून सिल्क कहा जाता है। तैयार किए गए कच्चे रेशम को फेंके गए रेशम का उत्पादन के लिए घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया को फेंकना कहा जाता है। यह रेशम को अलग अलग तंतुओं में विभाजित होने से रोकता है। नेक्स्ट, नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क। प्राकृतिक रेशम और कृत्रिम रेशम। नेचुरल सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म एंड इट इज मेड ऑफ ए प्रोटीन। नेचुरल सिल्क इज एन
animal fiber. On the other hand, artificial silk called rayon is obtained from wood pulp and it is made of modified plant material called cellulose. अर्थात प्राकृतिक सिल्क और रेशम कृत्रिम सिल्क. प्राकृतिक रेशम रेशम के कीड़ों से प्राप्त होते हैं और यह एक प्रोटीन से बनता है. प्राकृतिक रेशम एक पशु फाइबर है. दूसरी ओर कृत्रिम रेशम जिसे रियान कहा जाता है लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त किया जाता है और यह संशोधित पौध सामग्री से बना होता है जिसे सेलुलोज कहा जाता है. नेक्स्ट ये समाप्त हुआ. अब मैं क्वेश्चन आंसर इसके साथ भेज रहा हूँ.